मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये यूनिक्स कमांड्स में तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए समझते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स के और कौन कौन से कमांड्स हैं। टाइप कमांड, तो इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास यूनिक्स का जो पहला कमांड है उसका नाम है टाइप कमांड। तो देखते हैं कि टाइप कमांड का क्या यूज़ है। तो टाइप कमांड इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कमांड टाइप। तो टाइप कमांड का यूज़ करते हैं कमांड के टाइप को जानने के लिए। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जो भी कमांड टाइप करते हैं, जैसे PWD, LS कमांड, WC कमांड, कोई भी कमांड हम टाइप करते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी कि ये कौन सा इस कमांड का टाइप क्या है। मतलब एलियास कमांड है, शेल फंक्शन कमांड है, या कोई फंक्शन है ये, या फिर कोई जो है डिस्क फाइल की कमांड है ये। तो वो सब जानने के लिए जो है हम टाइप कमांड को यूज़ करते हैं। तो इट डिस्प्लेस इफ कमांड इज एन एलियास। तो ये बताता है कि क्या कमांड एलियास कमांड है, या शेल फंक्शन कमांड है, या शेल बिल्ट इन कमांड है, या डिस्क फाइल की कमांड है, या शेल रिजर्व वर्ड है, या फिर कोई मेथड या कोई फंक्शन है वो कमांड। तो सिंपली ये जानने के लिए आपको क्या करना है, यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको टाइप जो है टाइप करनी है, TYPE टाइप कमांड को टाइप करनी है। और उसके बाद जिस भी कमांड के बारे में आप जानना चाहते हैं उस कमांड को यहाँ पे लिखना है। तो मुझे जानना है कि PWD ये कमांड जो है ये कौन सा कमांड है। तो PWD लिख करके मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा। तो याद रहे एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है। तो आउटपुट में ये दिखाएगा कि PW जो है वो एक शेल बिल्ट इन कमांड है। तो इन दी आउटपुट एबव यू कैन सी दैट द PW कमांड इज बिल्ट इन शेल कमांड। तो ये शेल की अपने बिल्ट इन कमांड है। उसके बाद फिर आप यूनिक्स कमांड पे टाइप कमांड को लिख करके आप जानना चाहते हैं कि ls कमांड क्या है। तो ls टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा कि ls इज alias टू ls color इक्वल टू ऑटो। तो यहाँ पर ls कमांड जो है वो जो है ls का alias कमांड है। alias कमांड का मतलब ये है कि किसी यूजर ने क्या किया है कि ls कमांड के साथ कलर वाले फंक्शन को अप्लाई कर रखा है। ls-color इक्वल टू ऑटो का मतलब ये है कि जब भी हम ls कमांड चलाएंगे तो ls कमांड में जितनी भी इंफॉर्मेशन शो करेगा वो सब कलरफुल शो करेगा, क्योंकि कलर के साथ यहाँ पे सेट कर रखा है किसी यूजर ने। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ls कमांड का कोई alias कमांड तो नहीं बना हुआ है पीछे। तो हम टाइप कमांड के साथ ls लिखेंगे तो बता देगा कि ls एक alias कमांड है, या शेल बिल्ट इन कमांड है, या फिर कोई फंक्शन है, या फिर कोई मेथड है। तो यहाँ पर इसने बताया कि ls जो है वो alias कमांड है ls का। इसका मतलब किसी यूजर ने ls के साथ कलर वाली सेटिंग सेट करके छोड़ दी है। तो जब भी ls को हम रन करेंगे तो डिस्प्ले में जो है सारा कलरफुल दिखाएगा। तो ये है ls कमांड के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं कि डेट कमांड का टाइप क्या है। तो वही डॉलर प्रॉम्प्ट पे या यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे टाइप लिख करके डेट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये दिखा रहा है यहाँ पर डेट इज /bin/date/date। तो इसका मतलब ये है कि जब इस तरीके से /bin/ और उस फंक्शन का नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेबल कमांड है। एग्जीक्यूटेबल कमांड का मतलब किसको जब हम रन करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाएगा, मतलब डेट और टाइम को ये शो करेगा। तो ये क्या है, डेट कमांड इज एन एग्जीक्यूटेबल डिस्क फाइल। तो डेट कमांड क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल कमांड है। तो
तो टाइप का जो है बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी कमांड के टाइप के बारे में जानने के लिए कि वो टाइप क्या है। अगर मैंने कोई मेथड बना दिया है, लेट सपोज मैंने मेथड बना दिया है सम नाम का, एक मेथड बना दिया है, और उस सम नाम के मेथड को अगर टाइप लिख करके अगर मैं सम लिख करके एंटर मारूंगा तो नीचे आउटपुट में शो करेगा कि सम एक फंक्शन है, एक मेथड है। तो इस तरीके से कमांड के टाइप को ये बताता है। यूनिक्स में हमारे पास दूसरा जो कमांड है उसका नाम है इको कमांड। तो देखते हैं कि इको कमांड का क्या यूज है। तो इको कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट आर पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे हम एक टेक्स्ट की लाइन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए इको कमांड का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं, उस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इको कमांड यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट की लाइन को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो सिंपली आपको यूनिक्स प्रॉम्प्ट में जा करके कमांड को टाइप करना है इको, और उसके बाद जो है जिस लाइन को, जिस टेक्स्ट की लाइन को हमें प्रिंट कराना है वो लिखनी है। जैसे मुझे ये प्रिंट कराना है कि इको इज ए गुड कमांड, तो ये लिख करके सिंपली मैं एंटर प्रेस करूंगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके इको कमांड टाइप करके डबल कोटेशन में हम जा करके लिखेंगे इको इज ए गुड कमांड और एंटर प्रेस करेंगे, तो आउटपुट हमारे पास आएगा इको इज ए गुड कमांड। तो यहाँ पर टेक्स्ट की पूरी लाइन एक डिस्प्ले हो रही है। तो इको कमांड जो है हम टेक्स्ट की पूरी एक लाइन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। और इको कमांड का दूसरा यूज जो है वो ये है कि अगर किसी वेरिएबल में, लेट सपोज यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके एक्स वाई जेड किसी भी वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवा दिया है, तो वहां पर यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू जो है एक्स में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके इको कमांड को टाइप करूंगा और एक मैसेज को मुझे डिस्प्ले कराना है, एक टेक्स्ट ऑफ लाइन को डिस्प्ले कराना है। तो मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, इसको हम बिना कोटेशन के भी रख सकते हैं और इसको डबल कोटेशन में भी इस टेक्स्ट की लाइन को रख सकते हैं। और उसके बाद इक्वल लिख करके जिस वैल्यू, जिस वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर कराया है उस वेरिएबल के साथ डॉलर का साइन लिख करके सिंपली एंटर करेंगे, तो क्या करेगा इको कमांड, सबसे पहले मैसेज को प्रिंट करेगा, टेक्स्ट ऑफ लाइन को प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। इतना प्रिंट करने के बाद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इक्वल टू, इतना प्रिंट करने के बाद एक्स के साथ डॉलर लगा करके मैंने एक्स की वैल्यू, जो 10 वैल्यू मैंने स्टोर की थी वो 10 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इको कमांड का यूज जो है वो वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए भी करते हैं। तो इको कमांड का सबसे ज़्यादा यूज होता है यूनिक्स के अंदर जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो मान लीजिए दो नंबर को सम करने का मैंने प्रोग्राम बनाया है, तो हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना पड़ता है कि सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू या सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, तो ये मैसेज प्रिंट कराना है। और उसके बाद जो है हमें वैल्यू प्रिंट करानी है वेरिएबल की, तो हम सिंपली इको कमांड टाइप करके लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, और उसके बाद डॉलर साइन के साथ हम जो है सम नाम के वेरिएबल को वहां पे रख करके एंटर मारेंगे, तो जो है वैल्यू
प्रिंट हो जाएगी। तो ये था इको कमांड का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है मैन कमांड। तो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट कमांड है, तो देखते हैं कि मैन कमांड का क्या यूज है। तो द मैन कमांड डिस्प्लेस द ऑनलाइन मैनुअल पेजेस। तो मैन कमांड क्या करता है कि ऑनलाइन मैनुअल पेजेस को ये डिस्प्ले करता है। तो मैनुअल पेजेस किसी भी कमांड के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं कि उसका यूज वगैरह क्या है, वो पूरा कमांड जो है वो क्या है, वो उसकी पूरी मतलब पूरा का पूरा जो है उसके सारे पेजेस को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैन कमांड के थ्रू आप उन मैनुअल पेजेस को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इट गिव्स यूजर्स एक्सेस टू मैनुअल पेजेस फॉर कमांड लाइन यूटिलिटीज एंड टूल्स। तो यूनिक्स में जितने भी कमांड्स है, जितने भी टूल्स है, उन कमांड्स और टूल्स के बारे में अगर आप मैनुअल पेज देखना चाहते हैं कि वो कमांड क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका यूज़ वगैरह कैसे होता है, क्या क्या काम करता है वो कमांड, तो ये सारी चीज़ें जो है हम मैन कमांड के थ्रू उस कमांड के बारे में जान सकते हैं। तो दिस कमांड प्रेजेंट्स द फर्स्ट पेज एंड पॉज। तो मैन कमांड क्या करता है कि जब मैन कमांड के साथ हम किसी भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, उस कमांड को स्पेसिफाई करते हैं, तो ये क्या करता है, उस कमांड का जो है पूरा का पूरा एक मैनुअल पेज आपके सामने डिस्प्ले कर देता है और फर्स्ट पेज डिस्प्ले करके वो रोक देता है। उसके बाद एंटर करेंगे तो दूसरा पेज आएगा, फिर एंटर करेंगे तो तीसरा पेज आएगा। तो इस तरीके से पेज वाइज पॉज करके जो है कमांड की पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है ये। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैन कमांड से वापस आ जाए, क्विट कर दे उसको, क्योंकि पेज वाइज मान लीजिए 50 पेज है, एक पेज पर आ करके वो रुक गया है, फिर एंटर किया, दूसरे पेज पे आ गया, फिर एंटर किया, तीसरे पेज पे आ गया, और हम चाहते हैं कि हमें बाहर आना है, तो सिंपली आपको जो है क्यू प्रेस करना है। तो क्यू प्रेस करने के बाद आप अपने शेल प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि मैन कमांड को कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स कमांड पे आपको जा करके मैन कमांड को टाइप करना है और उसके बाद किसके बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन या पूरा उसका मैनुअल यूजर्स देखना चाहते हैं, मतलब मैनुअल पेजेस देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं ls कमांड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं, तो मैन कमांड को टाइप करके ls लिखूंगा और सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, तो इट विल शो द मैनुअल पेज फॉर द कमांड ls। तो ls कमांड के लिए ये पूरा का पूरा मैनुअल पेज आपके सामने खोल करके रख देगा और पहला पेज डिस्प्ले करके वो रुक जाएगा, फिर एंटर करेंगे तो दूसरा पेज आएगा, फिर एंटर करेंगे तो तीसरा पेज आएगा, और हम चाहते हैं कि दोबारा हम अपने शेल प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाए तो क्यू प्रेस करेंगे तो शेल प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाएंगे। ls कमांड की तरह मैं चाहता हूं कि मैन कमांड के बारे में मैं पूरा जानना चाहता हूं, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहता हूं, इसका जो है मैनुअल पेजेस देखना चाहता हूं, तो मैन कमांड टाइप करके मैन लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो यहां पर देखिए हमारे पास मैन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है और एक पेज डिस्प्ले करा करके ये रुक गया है। तो यहाँ पे बता रहा नेम, कमांड का नाम क्या है मैन, ये क्या करता है एन इंटरफेस टू द ऑनलाइन रेफरेंस मैनुअल्स, ये चीज है ये, इसके सिनॉप्सिस वगैरह बताए गए हैं, ये सारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैन के बारे में यहाँ पर दी गई है और लास्ट में यहाँ पर एक मैसेज है कि मैनुअल पेज मैन वन, ये वन पेज है, लाइन वन है, प्रेस एच फॉर हेल्प, कोई हेल्प चाहिए तो एच दबाओ और या फिर क्विट करना है तो क्यू दबाओ, एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे फिर पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से हमने कोई फाइल बनाई है, मान लीजिए 50 पेजेस की मैंने एक फाइल बनाई है और उस फाइल का नाम अनिल है,
तो मैं मैन लिख करके अनिल नाम के फाइल को टाइप करके एंटर मारूंगा, तो उस अनिल में जो भी लिखा हुआ है उसका एक पेज शो करके रुक जाएगा, फिर एंटर करेंगे तो दूसरा पेज दिखाएगा, फिर एंटर करेंगे तो तीसरा पेज दिखाएगा और हम शेल प्रॉम्प्ट पे वापस आना चाहते हैं तो सिंपल क्यू प्रेस करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो ये था यूनिक्स में मैन कमांड के बारे में। तो जो है लिनक्स कमांड्स का ये जो तीसरा ट्यूटोरियल है ये यहीं पर फिनिश होता है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।